नमस्कार दोस्तों, नीलेश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बाजार जैसा समोसा। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना लिया हूँ, इसे मैं पेस्ट बना लूँगा। और इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल रहा हूँ मैं कट करके, और 2 से 3 मिर्च, और 1 चम्मच धनिया भी डालना है। और 1 चम्मच सौंफ, आप देख रहे हैं सौंफ। अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, इसे दरदरा पीसना है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं। अब मैं आगे का प्रोसेस कर लेता हूँ। पुदीना डालने से क्या होता है, थोड़ा मसाला काला दिखेगा बाजार जैसा आपको। दोस्तों, मेरा पैन गर्म हो गया है। अब मैं आलू का जो मसाला है वो तैयार कर ले रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। और इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नॉर्मल नमक, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और 1/4 चम्मच गरम मसाला। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और दोस्तों, ये जो मैंने मसाला पीस के रखा था, ये भी धनिया इसमें डाल देंगे मिक्सचर। इसे इसी मसाले के साथ अच्छी तरह मिला देंगे। अब मैं बॉयल आलू इसमें डाल देंगे। आलू मैंने बॉईल करके 2 से 3 घंटा इसे ठंडा कर लिया था। अब डायरेक्ट आलू बॉईल करके डालेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा पिचपिचा जैसा बन जाता है। तो आलू बॉईल करने के बाद 2 से 3 घंटा आप ठंडा होने दीजिए, उसके बाद डालिए। और इसे अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा मसाला ऑलरेडी हो गया है, आप देख रहे हैं। इसे मैं साइड कर लूँगा। ये लगभग हो गया है, आप देख रहे हैं। इसमें मैं 1 कप मैदा ले रहा हूँ। इसमें आपको करीब 4 से 5 समोसा बन जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगा, अजवाइन आधा, इसको हल्का सा हाथों से मैश करके डाल देंगे। थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि ऑयल से थोड़ा सा खस्ता आपका समोसा अच्छा बनेगा। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं इसका आटा तैयार कर ले रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही बनाना है दो, क्योंकि जब भी हम लोग नमकीन वगैरह बनाते हैं तो उसका डो हम लोग हमेशा टाइट बनाते हैं, तो इसे भी टाइट ही बनाना है। ये हो गया है, इसे मैं करीब 15 से 20 मिनट थोड़ा रेस्ट होने देंगे। एक कपड़ा लगा देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये मेरा 15 से 20 मिनट हो गया है, आप देख रहे हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे।
से इस तरह गोला कर लेंगे। अब जितना गोला करेंगे उसका दो समोसा बनेगा, तो मैं अभी चार समोसे बना रहा हूँ। ये एक हो गया, दो, अभी इसे कैसे बनाएंगे वो दिखा रहे हैं आपको करके। इसे हल्का सा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसको लंबा बेलना है। आप देख रहे हैं मैं किस तरह बेल रहा हूँ, इसे लंबा बेल रहा हूँ। अब मैं इसे बीच से कट कर लूंगा। ये दो हो गया, आप देख रहे हैं इस तरह। बाजार में इसी तरह आपको कट करके उन लोग रखता है, जब आपको चाहिए वो बना के तुरंत देता है। ये हो गया, इसे किस तरह बनाएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसे थोड़ा और हम बेल के बड़ा कर लेते हैं। ये मैं बेल लिया हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, हल्का सा इसके साइड साइड में पानी डालेंगे। और इसे इस तरह करके इस तरह फोल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरह फोल्ड किया हूँ। इसे फोल्ड करके इसे हल्का सा हाथों से दबाते जाएंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगा, इसमें मसाले डालूंगा। और इसे अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए और इधर भी हल्का सा पानी डालेंगे। पानी मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हल्का सा वो चिपक जाएगा, नहीं तो आप जब तलेंगे समोसा तो निकल जाएगा, आलू निकलने लगेगा। हाथों से अच्छी तरह से दबा देंगे। आप देख रहे हैं मेरा समोसा रेडी हो गया है। मैंने एक कढ़ाई में तेल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा है। इसे जब भी आप तलें मीडियम फ्लेम पे ही तलें। इसको हल्का सा एक देखेंगे तो तेल मेरा गर्म हो गया है। हल्का हल्का ऐसा बुलबुला आएगा तो समझिए हल्का गर्म हो चुका है। तब मैं इसमें समोसे डाल दूंगा, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है। इसे धीमी आंच में तलना है। ये मैंने बहुत हाई फ्लेम में नहीं डाला है, लो टू मीडियम फ्लेम है, उसमें मैंने समोसा डाला है। इसे मैंने थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मेरा हो रहा है समोसा। इसे पलट लेंगे।
इसमें एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप समोसा डालें मीडियम फ्लेम पे ही डालें, हल्का जब तेल गर्म हो, और डालने के बाद 1-2 मिनट के बाद आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका समोसा अच्छी तरह से पकेगा अंदर तक, नहीं तो तेज आंच में क्या होगा, आपका ऊपर ऊपर पक जाएगा और नीचे कच्चा रहेगा। तो ये हमेशा याद रखें, ऐसा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे अच्छी तरह। आप देख रहे हैं मेरा अच्छी तरह से हो गया है। तो दोस्तों ये लगभग हो गया है, आप देख रहे हैं मेरा दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है। जब तक दोनों तरफ नहीं ब्राउन होगा तब तक आपको तलना है। ये लगभग हो गया है मेरा, अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा समोसा रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं मैं समोसा और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया हूँ। आप चाहें तो इडली का चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा मेरा समोसा बना है, मैं इसे तोड़कर भी दिखा रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा खस्ता बना है, इसका मसाला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि घर में बना है। ये देख रहे हैं आप, तो आप लोग भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस नीलेश किचन में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।